खबरों में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दरभंगा से इस वक्त आ रही है, जहां पर दरभंगा में लेफ्ट पार्टी के समर्थकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। बताया आपको कि यहां पर दरभंगा दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया है। कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरभंगा से ये बड़ी खबर, जहां पर लेफ्ट पार्टी के समर्थकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मुकेश हमसे जुड़े। मुकेश, इस वक्त क्या स्थितियां देखने को मिल रही है वहां पर? जी मैं बता दूं कि वाम छात्र संगठन के ये छात्र हैं, ये लोग दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट को रोक रखा है। इन लोगों का साफ कहना है कि कन्हैया की जब तक रिहाई नहीं होगी, इस तरह चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा, और उसी की रिहाई की मांग के लिए इन लोगों ने ट्रेन को रोक रखा है। हाँ, पुलिस आरपीएफ यहाँ पहुंची हुई है और बार बार इन लोगों से बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बात सफल नहीं आ रही है। जी शुक्रिया मुकेश आपका। तो जेएनयू का मामला दरभंगा पहुंचते दिख रहा है, जहां पर दरभंगा में लेफ्ट पार्टी के समर्थकों का हंगामा हो रहा है। यहां पर दरभंगा दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी लोगों ने रोक दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात मधुबनी से आ रही खबर की, जहां पर मधुबनी में भी लेफ्ट पार्टी के समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया है। तो बड़ी खबर मधुबनी से, अब मधुबनी में भी लेफ्ट पार्टी के समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया है। इससे पहले दरभंगा से खबर थी, जहां पर दरभंगा में कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग उठ रही थी, और अब मधुबनी में भी लेफ्ट पार्टी के समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया है और कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग की जा रही है। तो जेएनयू का मसला अब पूरे बिहार में भी दिख रहा है, जहां पर लेफ्ट पार्टियां जो है वो विरोध करती नजर आ रही हैं। कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग कर रही हैं। कन्हैया कुमार पर जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आता दिख रहा है, इसका लगातार लेफ्ट पार्टियां विरोध करती रही हैं, और अब ट्रेन जो है वो भी रोकी जा रही है। मधुबनी से खबर है कि मधुबनी में लेफ्ट पार्टी के समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बिंदु भूषण हमसे जुड़े हैं। बिंदु, अब कह सकते हैं कि पूरे बिहार में भी इसका व्यापक तौर पर असर दिख रहा है। मधुबनी में ट्रेन भी रोकी गई है कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग को लेकर। जी, मधुबनी रेलवे स्टेशन पे सवारी गाड़ी है जो समस्तीपुर जाती है, उसको छात्र संगठनों ने रोक रखा है और घंटों से ये इस ट्रेन को रोका गया है। इनकी मांगे हैं कन्हैया को शीघ्र रिहाई करे और जो उसमें जिम्मेवार है, जो भी इसमें दोषी है, उसे गिरफ्तार किया जाए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए बिंदु। तो मधुबनी में भी लेफ्ट पार्टी के समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया है, कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया की जमानत अर्जी में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ है। कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे तिहाड़ जेल में रखा गया है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि कन्हैया के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, हमारे पास कन्हैया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, एडिक्वेट एविडेंस है टू सपोर्ट दी एफआईआर, और उसको इसीलिए गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के अलावा वो मटेरियल हमने लर्निड कोर्ट के सामने भी रखा था, तो लर्निड कोर्ट ने उसको एग्जामिन करने के बाद में उसकी पुलिस रिमांड भी दी है हमारे को। इधर बेगूसराय के बीहट में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया के परिजनों ने राज्य सरकार की ओर से मिली सुरक्षा वापस लौटा दी है। हालांकि इसके बाद भी पुलिस ने कन्हैया के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और इलाके में आने जाने वाले लोगों पर नजर भी रखी जा रही है। जो खुलेआम गलती कर रहा है न्यायालय के परिसर में, उस पर किसी तरह कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार सबसे पहले उस वकील को गिरफ्तार करे जिसने उसके साथ मारपीट किया न्यायालय के परिसर के अंदर। यही मांग है हमने। तो मैं सरकार से पूछती हूँ, जो प्रधानमंत्री अपने को गरीब का बेटा बता रहे हैं, ये भी तो उनके नाक के पीछे गरीब का बेटा का शोषण हो रहा है।
इधर पटना में बीजेपी और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प को लेकर बिहार की सियासत और गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने इस मामले पर विवादित बयान दिया है। वहीं जेडीयू का कहना है कि बीजेपी जैसे दूसरों के साथ करती है, वही आज उसके साथ हुआ। नहीं, मैंने कहा राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के गुंडों से लड़ने की बात कही, चूंकि वही लोग लालू जी और नीतीश कुमार का झंडा लेके आए हुए थे और ये प्रायोजित हमला था। इसकी पूरी कार्य योजना जदयू के कार्यालय में बनी है और उन लोगों के द्वारा यह प्रायोजित हुआ है। इन लोगों को संरक्षित करके भाजपा के कार्यालय तक पहुँचाया गया है। तो ऐसे जो सत्ता पोषित गुंडे होंगे वो लुक छिप के हमला नहीं करें, वो समय तय करें, घोषणा करें। भाजपा और एनडीए का कार्यकर्ता बिहार के किसी भी कोने पे, किसी भी जगह पर और किसी भी समय उनसे लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हिम्मत है तो नपुंसकों की तरह लुक छिप के हमला नहीं करें, हिम्मत है तो सामने आके लड़ें। देश का प्रथम छात्र संगठन AISF जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके नेता पर देशद्रोह का मुकदमा और जिसका सबूत अब तक नहीं मिला, तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये स्वाभाविक है। भाजपा के लोगों ने के माथे पर बैताल चढ़ पड़ा है। ये उन्मादी लोग हैं तो उन्मादियों का इलाज बेहतर रूप से कम्युनिस्ट ही करते हैं। और नाबालिग से रेप के मामले को लेकर आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। राजवल्लभ यादव के वकील ने बुधवार को बिहार शरीफ कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। वहीं रेप के आरोप में निलंबित RJD विधायक राजवल्लभ यादव की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। साथ ही राजवल्लभ के पथरा इंग्लिश गाँव में उनके घर पर भारी तादाद में पुलिस की तैनाती भी की गई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में नकली शराब बनाने वालों को सजाए मौत हो सकती है। 7 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान हो सकता है और नए एक्साइज एक्ट को इफेक्टिव बनाने का सीएम नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया है। नए एक्ट के मुताबिक अगर कोई कॉमन प्लेस पर शराब पीता है या गैर कानूनी रूप से शराब रखता है तो उसे कठोर सजा मिलेगी। निबंधन उत्पाद मद निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रभावी उत्पाद अधिनियम तुरंत लाने का आदेश दिया है। मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने कहा है कि शराबबंदी लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में एक आदमी एक दिन में सिर्फ एक बोतल शराब खरीद सकेगा। दूसरी बोतल खरीदने के लिए दूसरे दिन दुकान पर जाना होगा। वहीं शराब की स्मगलिंग रोकने के लिए सभी जगहों पर शराब की बिक्री CCTV कैमरे की निगरानी में होगी, ये भी कही गई बात। नहीं, वैसे तो जब बोतल बिकेगी तो एक बोतल तो उसको देना ही है और उसके लिए डिजिटल कैमरा भी वहाँ रहेगा, रजिस्टर में उसको सिग्नेचर बात भी करना पड़ेगा और फिर वहाँ पुलिस फोर्स भी होंगे और बहुत सुरक्षा के बीच में उसको जो है शराब मिलेगी। आगे बढ़ते खबरों में। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में झारखंड पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर झारखंड पुलिस ने रांची के पास हुए मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। दरअसल रांची जमशेदपुर रोड पर बुंडू धारा बेड़ा और नवाडी के पास में जंगल है और इस जंगल में पुलिस से नक्सलियों की भिड़ंत हो गई। गुरुवार के रात 9 बजे से शुरू हुई ये मुठभेड़ रात के 2 बजे तक चलती रही। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इसमें CRPF के 2 जवान गोविंद सिंह और सद्दाम अंसारी को गोली लगी है। दोनों को मेडिका में भर्ती कराया गया है। गोविंद को छर्रा और सद्दाम को दाहिने बाह में गोली लगी है। नवाडी जंगल में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन में रांची पुलिस की टीम, CRPF की 3 बटालियन, SSB के जवान भी शामिल हैं। पुलिस की तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग के अलावा मोर्टार का भी इस्तेमाल किया गया। मुठभेड़ की वजह से सड़क पर जमशेदपुर की ओर से 2 किलोमीटर और रांची की तरफ से करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने गाड़ियों की लाइट बंद करवा दी थी। रात 1 बजे के बाद रांची जमशेदपुर मार्ग पर आवागमन भी शुरू हो गया। पुलिस इलाके में अब कैंप कर रही है।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज 2016-17 का आम बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट हर बार के बजट से खास होगा, क्योंकि इस बार आम बजट के साथ साथ अलग से कृषि बजट और महिलाओं के लिए जेंडर बजट भी पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास इस बार कई इलाकों का दौरा करके बजट को लेकर लोगों से उन्होंने राय शुमारी भी की है। अब जाहिर है इस बार के बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। और वहीं रघुवर सरकार के बजट को लेकर विपक्ष ने भी उम्मीदें जाहिर की है। जेवीएम के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को उम्मीद है कि साल 2016-17 का झारखंड सरकार का बजट बेहतर बजट होगा। वहीं आपको बताएं कि जेएमएम विधायक स्टीफन मराजी ने कहा है कि बजट आकार बढ़ाने के साथ साथ योजनाओं को जमीन पर लागू करने की जरूरत है। बजट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बजट का आकार बढ़ाना बड़ी बात नहीं है, सरकार की उपलब्धि ये नहीं कही जा सकती है। ये किसके लिए ये कितना हितकर है ये तो बजट आने पर ही कहा जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आज तक हमने अनुभव किया एक वर्ष के इनके कार्यकाल में, जो पिछले बजट में जो भी योजनाएं पारित हुई है, जो पैसे दिए गए हैं विभाग को, आज तक हमने जमीन पर कार्य होते तो नहीं देखा। मैं चाहूँगा कि बजट सर्वस्पर्शी हो और ये कृषि प्रधान राज्य है, किसानों को प्राथमिकता मिले, रोजगार पैदा करने वाला बजट हो, और यहाँ काफ़ी दबे कुचले दलित समुदाय से लोग रहते हैं, उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दे। और झारखंड विधानसभा में आज आम बजट पेश किया जाएगा, जहां रघुवर सरकार के इस बजट से युवाओं और कारोबारियों को भी खास उम्मीदें हैं। अभी स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अब प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑलरेडी स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं, तो स्किल्ड यूथ बहुत ज़रूरी है। इंसान यहाँ पे पढ़ा लिखा ज़रूर है, लेकिन उसके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है कि उसको वो अपनी पढ़ाई लिखाई को जॉब के लिए यूज़ कर पाए। तो ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो स्किल्ड यूथ को बना सके। हायर एजुकेशन पर जोर देना, हायर एजुकेशन पे एंड प्रोफेशनल एजुकेशन पे, जिससे नौकरी मिल सके लोगों को, वो मॉडर्नाइज करना जो कि उनकी सोच में है, उसके लिए एक अलग बजट का प्रावधान करना, अलग रकम का प्रावधान करना, चाहे रोड है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवर ब्रिजेज हैं, ये सब जब तक नहीं होंगे, जब तक मेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये मेक इन इंडिया और मेक इन झारखंड सक्सेस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, जहां खूंटी सांसद करिया मुंडा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। खूंटी में उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बिना पैसा लिए नए नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। इस मामले में खूंटी उपायुक्त का यह कहना है कि कुछ शिकायतें मिली है जिसकी अब जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार तो मैं कही दिया, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आज बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होगा। आंगनबाड़ी सेवक काम में उसमें भी घूस ले रहे हैं लोग, आंगनबाड़ी सेवक कितना 3,000 रुपया महीना मिलेगा, कहाँ से घूस क्या करे, कैसे करेगा उसकी नियुक्ति की, ये सारी चीज़ हम रोज देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो लोग आते हैं बताते हैं, कोई हमारे कोई बनावटी बात तो है नहीं। जिला स्थापना समिति जो है उसमें कई ऑफिसर्स मेंबर हैं, वो एक साथ बैठे ही उसकी मीटिंग में ही ये पदस्थापन पे निर्णय होगा। नियम यही है, इस नियम से हटके कोई भी ऑफिसर कहीं पे टीचर का पदस्थापन नहीं कर सकता है। और ये जो खबरें उड़ रही है पदस्थापन की, ये गलत है। अगर कोई ऐसी शिकायत है तो उस पर इंक्वायरी चल रही है, और यथासमय जब इंक्वायरी के जो रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई।
इधर खाद्य सुरक्षा कानून स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर धनबाद में जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान जेवीएम कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वहीं इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी में सिर्फ झारखंड के लोगों को ही मौका देने की मांग की है। वहीं जुल्लू महतो मामले को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दो वर्ष बीत गया, बीजेपी की रघुवर की सरकार भी पूरी एक साल बीत गए, आज तक लोगों को ठीक प्रकार से राशन कार्ड भी नहीं मिल पाया। ग्रामीण आबादी का 86% लोगों को उपलब्ध करानी थी और शहरी आबादी का 60% लोगों को राशन कार्ड और राशन उपलब्ध करानी थी, लेकिन पूरी एक वर्षों में भी बीजेपी की सरकार रघुवर की सरकार ने राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाई। राशन तो दूर की बात है। इधर भागलपुर जेल में बंद अपराधी संतोष झा को सीतामढ़ी सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सड़क निर्माण कंपनी से रंगदारी मांगने और इंजीनियर हत्याकांड के आरोप में संतोष झा समेत दो लोगों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद संतोष झा को वापस भागलपुर केंद्रीय कारा भेज दिया गया। संतोष झा की कोर्ट में पेशी को लेकर सीतामढ़ी कोर्ट में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। संतोष झा दरभंगा में डबल इंजीनियर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। 134-14 जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने पर्चा साटा था चड्ढा पर, उसमें दो व्यक्तियों का अभियुक्तिकरण किया गया था, पिंटू झा और बाबा और संतोष झा को अप्राथमिक बनाया गया था। 2014 से ये आरोप विचित के लिए लंबित मामला चल रहा था, जिसमें भागलपुर केंद्रीय कारा से आज उपस्थापित किया गया और आरोप विचित किया गया। और बात सीतामढ़ी की, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। इसकी बानगी दिखी सीतामढ़ी में, जहां पर 72 घंटे के दौरान 5 लोगों को फोन पर रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी नहीं देने पर इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। जिनसे रंगदारी मांगी गई उसमें 5 बड़े डॉक्टर और व्यवसायी शामिल हैं। इस घटना के बाद से डॉक्टर और व्यवसायियों के परिवार वालों में दहशत है। एक प्रेस ब्रीफिंग आप लोग को मिल जाएगा, इसमें 2 मामलों का क्लियरेंस हुआ है, इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक गोलू कुमार की, एक नागेंद्र दास की, उसमें कुछ 2 लोग और हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। जिस सिम को एक्टिवेट किया गया मोबाइल से, मोबाइल भी रिकवर हो गया है, तो 2 रंगदारी के मामलों का खुलासा भी हो गया और बाकी जो भी घटनाएं घटी हैं वो भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उसमें भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। इधर 2 महीने पहले बगहा से अगवा हुई लड़की खुद पुलिस के पास पहुंच गई। हालांकि इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। जिस शख्स पर अपहरण का आरोप लगा है, लड़की ने उससे शादी कर ली है और अब वो पुलिस के सामने उस लड़के को अपने पिता से बचाने की गुहार लगा रही है। दोनों प्रेमी युगल बतौर पति पत्नी एसपी के जनता दरबार में भी पहुंचे। हालांकि पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है, फिलहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लव मैरिज से शादी कर लिए दोनों, और हमारे पापा इनको केस कर दिए इनके अन्याय के लिए। एसपी साहब से न्याय मांग रही हूं जी। खबर अब दुमका से, जहां पर दुमका में हिजला मेला लगा हुआ है और आज से इस मेले की शुरुआत हो रही है। मेले में इस बार एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावे कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है।